मेरठ में मेयर और पार्षदों की शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम में न खड़े होने का आरोप लगाकर मुस्लिम पार्षदों से की मारपीट। मेरठ में मेयर और पार्षदों की शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा पार्षदों ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षदों के साथ जमकर मारपीट की। बीजेपी के बड़े नेता बने रहे तमाशाई। मौके पर मौजूद सीओ सिविल लाइन ने किया बीच बचाओ। आपको पूरी खबर बताते चलें कि महापौर हरिकांत अहलूवालिया और सभी 90 पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। मुख्य अतिथि नरेंद्र कश्यप और कमिश्नर सेल्वा कुमारी जय भी पहुंच गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत पहले वंदे मातरम की परंपरागत वादन से होना था। संचालक के साथ आए व्यक्ति ने वंदे मातरम का गायन किया जो कि गलत बताया गया और जिसको लेकर काफी विवाद छिड़ गया। हंगामे को देखते हुए वहां पर मौजूद सांसद राजेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पोडियम पर पहुंचे और उन्होंने स्वयं वंदे मातरम फिर से शुरू किया। जैसे ही वंदे मातरम पूरा हुआ भाजपा के पार्षदों ने मुस्लिम पार्षदों पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि लोग वंदे मातरम में खड़े नहीं हुए। इस बात पर हाल में काफी हंगामा शुरू हो गया लेकिन भाजपा के बड़े नेता इस मामले को देखकर तमाशाई बने रहे, जबकि सीओ सिविल लाइन ने भाग दौड़ कर मौके की नजाकत को समझते हुए बीच बचाव किया और मामला को ज्यादा बनने से रोका। पहले वहां फोर्स भी तैनात कर दी और मामला जब जाकर शांत हुआ। मारपीट की जा रही है, डीएम साहब वहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद है, कलेक्टर साहब वहाँ मौजूद है, उनके सामने बीजेपी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर साहब। आपके साथ क्या हुआ? ये तो बहुत मार है, मेरे चश्मा बदलते हुए कह रहे हैं नहीं है तो भगा था। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा भाई एक दफे हो तो गया है, सुनिए खड़े हुआ यूँ कह रहे हैं तो भगा। मोहम्मद आसिफ शेख थे बाद में मोहम्मद आसिफ का पार्षद, उन्होंने कह रहे हैं नहीं आते भगा, उनका कोई काम नहीं है। बताओ ये सब जगह याद है तो क्या होगा आगे? नहीं हम ये बनना चाहते हैं, प्रोग्राम निगम का है, ये प्रोग्राम बीजेपी का है, बीजेपी के प्रोटोकॉल से प्रोग्राम है। ये खींचा है मेरा और हमारा उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे। हम राष्ट्र गीत गाएंगे, खड़ा होकर गाएंगे, सीना छोड़ करके गाएंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन कोई हमसे जबरदस्ती अगर गाएंगे वंदे मातरम बोलो गर्दन कटना चाहिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, नहीं झुकेंगे नहीं साहब। बिल्कुल बीजेपी ये चाहती है हमारी गर्दन पर तलवार भी रख दे, वंदे मातरम बुलवा ले साहब, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे, बीजेपी से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेल भेजना चाहे सरकार जेल भेज दे, मुकदमे लगाना चाहे मुकदमे भेज दे, लाठी चलाना चाहे लाठी चला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।